खबर चंदौली जिले के नौगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा की नौगढ़ इकाई के बैनर तले बुधवार को स्थानीय बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा का सद्भावना रथ यात्रा पूर्वाह्न 8 बजे मुगलसराय स्थित महासभा के प्रांत कार्यालय से चलकर अपराह्न 2 बजे स्थानीय कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता व सह संयोजक रवि कुमार गुप्ता दीपक गुप्ता ने साहू समाज के लोगों के साथ स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद छोटेलाल खरवार व विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री जयकिशन साहू, महासभा के जिला अध्यक्ष गाजीपुर की माया साहू व सोनभद्र की रूबी गुप्ता के संग पूर्व चेयरमैन कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से महात्मा गांधी के तय चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व खादी ग्रामोद्योग मंत्री जयकिशन साहू ने कहा कि देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था तथा उन्होंने 9 अगस्त 1942 में सबसे पहले अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के युवाओं का भी आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि भामाशाह ने अपने 2 पुत्रों को देश की खातिर महाराणा प्रताप सिंह का सेनानायक बनाकर राजपूतों की आन बान शान की रक्षा की थी, लेकिन दुख इस बात का है कि साहू समाज को आजादी के बाद से अभी तक उपेक्षित किया जाता रहा है, लेकिन अब यह साहू समाज इसे नहीं कर सकता तथा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी साहू समाज को सम्मान देगी साहू समाज उसी के साथ रहेगा। भाजपा पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा में 3 विधायक साहू समाज के हैं, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है, जबकि सपा के शासनकाल में हारे हुए साहू समाज के प्रत्याशी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उन्होंने बार बार साहू समाज के कार्यकर्ताओं के एकत्रित रहने का आह्वान किया तथा नोएडा शाही साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने साहू समाज को एकत्र रहने के साथ महापंचायत का गठन कर आपसी विवादों को आपस में निपटारा करने के लिए कहा और कहा कि इससे समाज के लोगों का भला होगा। कार्यक्रम में सुनील कुमार गुप्ता, ममता गुप्ता, डॉक्टर गिरधारी लाल गुप्ता, विनोद कुमार, राम प्रकाश साहू, अरुण कुमार साहू, श्याम लाल साहू, रामकरण साहू, हरिलाल साहू, सतीश कुमार साहू के अलावा साहू समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता ने सबको धन्यवाद देते हुए समाज के लोगों को अपने उद्देश्य पर तत्पर रहने का संदेश दिया। आए हैं जी, ये मुख्य कार्यक्रम क्या रहा आप लोगों का? महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर हम श्रद्धांजलि देने आए थे और श्रद्धांजलि के अवसर पर हम अपने आप को, जो मेरा समाज सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा है उस पर हम अपना कुछ प्रकाश डालने आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा गरीब क्षेत्र में आकर के इन लोगों को, वाकई में अभी क्षेत्र में काफ़ी अधेरा है राजनीतिक सामाजिक, तो इसमें जो है हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ कहने का अवसर मिला। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि साहू समाज को जो है पहले से ही उपेक्षित किया गया है? एकदम 100% इतिहास ने उपेक्षित रखा है और वर्तमान में भी उपेक्षित है, तो इसके लिए आप जो है अपने साहू समाज के कार्यकर्ताओं को मतलब जागरूक करने का काम भी किए? बिल्कुल, हम देश ही नहीं प्रदेश के कोने कोने तक जाते हैं और हम, मेरा प्रयास है, पहले तो मेरा समाज मेरे मीटिंग में आता नहीं था, लेकिन आज कम से कम खुशी की बात है हजारों की संख्या में आकर मेरी बात तो सुन रहे हैं, और जब बात सुनना शुरू कर देंगे, समय देना शुरू कर दें, उस दिन मेरा मिशन सफल हो जाएगा। जैसे आपने अपने भाषण के दौरान कहा था कि वर्तमान में ये साहू समाज के 3 विधायक हैं जो कि खाली वो पलिहल में बानर की तरह घूम रहे हैं, बिल्कुल सत्य में कहना चाहता हूं, कहीं कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हारे हुए प्रत्याशी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया, तो उसके बारे में जरा आप स्पष्ट करें। देखिए, वर्तमान सरकार में 2, एक अपना दल से विधायक जो आज के अतिथि थे श्री संगम लाल साहू जी प्रतापगढ़ के विधायक, और दूसरा जो सरकार में सहयोगी पार्टी है, और दूसरा राकेश राठौर जी सीतापुर से। हर समाज के लोग जो है मंत्री बने, राजनीतिक अधिकार मिला, सामाजिक सम्मान मिला, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ साहू समाज को क्यों नहीं राजनीतिक अधिकार मिला, क्यों नहीं सम्मान मिला? 2 में से कम एक मंत्री बना देते तो समाज के लोग सुनते। आज मंत्री, आज विधायक का पैड लग करके कौन सा तीर मार ले रहा है? तो क्या आपका ये कहना है कि अब ये साहू समाज उसी को अपना वोट दे जो उनको अपना सहयोग दे? या मैं कहता हूँ जो मेरा सम्मान करे उसे लखनऊ ही नहीं दिल्ली के कुर्सी पर बैठा हुए,
जो आँख मूंदता है मेरे लिए उसके लिए भी मेरे समाज से निवेदन है कि आँख मूंद। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो आप लोगों ने महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर यहाँ एक सभा किया है, इसमें अपने साहू समाज से आप क्या आह्वान किए हैं और कार्यक्रम के माध्यम से आपने संदेश आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी आज है और महात्मा गांधी जी हमारे साहू समाज से थे। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी बिरादरी तेली समाज, साहू समाज पिछड़ा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम वो भागीदारी सुनिश्चित की जाए, वो एकता दिखाई जाए, चाहे वो हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हमें जो सुनियोजित तरीके से और हमारे हक के हिसाब से और हमारे वोट भागीदारी के हिसाब से सीट हमें देगा, हम उसके साथ हैं। और मेरा मानना है हक मांग के नहीं मिलेगा, हक को छीनना पड़ेगा, इसीलिए कार्यक्रम लगातार इस जिले में और अन्यत्र जिलों में चलाए जा रहे हैं। तेली बिरादरी को अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा के बैनर तले एकत्रित किया जा रहा है और इसी का एक कार्यक्रम था जो मुगल सरा से चल करके मुगल सरा कार्यक्रम को रूपरेखा देते हुए रथ यात्रा के साथ हम लोग नौगढ़ पहुँचे हैं।